अखिलेश का सियासी अंदाज इस बार बिल्कुल जुदा, कौन कितना फिदा। पश्चिम बंगाल में सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, बनेगी अटैकिंग रणनीति सटीक। टूटेंगे पुराने समझौते, नए समझौतों को लेकर होंगे विचार, कांग्रेस हैरान बीजेपी परेशान। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की राजनीति आक्रामक है, वो पुराने सियासी दोस्त को ढोने वाली नहीं है और बीजेपी से सियासी दुश्मनी पूरी तरह से निभाने वाले हैं, इसलिए नए दोस्तों के साथ मिलकर बीजेपी से मुकाबला करने वाले हैं। यूपी में तो 80 में से 80 लोकसभा सीटों पर लड़ने का ऐलान भी इस बात का ऐलान है कि बहुत हो गई दोस्ती की फॉर्मेलिटी, अब सियासत की जमीन पर रियल सियासी गेंद से कांग्रेस का आमना सामना होगा। तो वहीं बहुत लोगों की समझ से परे दिख रहा होगा कि अखिलेश पश्चिम बंगाल में सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन क्यों करने जा रहे हैं। ना तो सपा का कोई जनाधार है, ना ही वहां पैड बनाने की सपा की मंशा है, फिर भी अखिलेश वहां मीटिंग कर रहे हैं। आखिर अखिलेश के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, चलिए इसे समझने का प्रयास करते हैं। यूपी में लोकसभा चुनाव में कोई सियासी जमीन वापस पाने को सपा मुखिया अखिलेश यादव पुराने समझौतों को तोड़ नए प्लान पर जुट गए हैं। अखिलेश ने 2024 में गांधी परिवार की परंपरागत सीट अमेठी और रायबरेली से सपा की दावेदारी का इशारा किया है। वहीं पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अगली बैठक 18 मार्च से ममता के गढ़ पश्चिम बंगाल में बुलाई गई है। गांधी परिवार को सीधे चुनौती देने की कवायद को तीसरे मोर्चे में पैठ और मजबूत करने की रणनीति माना जा रहा है। 2004 में भी ऐसा ही हुआ था जब सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की राजनीति चमक रही थी। 1999 में पीएम बनने के मुद्दे पर सोनिया और मुलायम के बीच बढ़ी तलखी के बाद 2004 के लोकसभा चुनाव में दोनों पार्टियों ने शीर्ष नेताओं के खिलाफ उम्मीदवार खड़े किए थे। इसके बाद यूपी में करीब डेढ़ दशक से एकाध मौकों को छोड़ गांधी परिवार व सैफाई परिवार का एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार न उतारने का ही समझौता रहा। अखिलेश इस लीग से आगे बढ़ना चाहते हैं। अखिलेश ने आजमगढ़ में कहा था कि सपा गठबंधन लोकसभा में यूपी की सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। सपा अमेठी की दरिद्रता मिटाने का संकल्प लेती है। अमेठी में गरीब महिलाओं की दुर्दशा देखकर मन बहुत दुखी हुआ। यहाँ हमेशा वीआईपी जीते और हारे हैं, फिर भी यहाँ ऐसा हाल है कि बाकी प्रदेश का क्या कहना। अगली बार अमेठी बड़े लोगों को नहीं, बड़े दिल वाले लोगों को चुनेगा। सपा अमेठी की दरिद्रता को मिटाने का संकल्प उठाती है। गौर करने वाली बात है कि सपा को कांग्रेस के साथ दोस्ती का अब तक कोई चुनावी फायदा नहीं मिला। कांग्रेस के साथ भाजपा से मुकाबल होने पर राष्ट्रीय राजनीति में कांग्रेस के साइड इफेक्ट भी सपा के खाते में आते हैं। 2024 के चुनाव के लिए थर्ड फ्रंट का भी मंच सजा है, जिस पर अखिलेश भी सवार हैं। 1 मार्च को स्टालिन के जन्मदिन में शामिल होने के लिए नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने विधानसभा में बजट पर नेता सदन योगी आदित्यनाथ के जवाब के दौरान गैर हाजिर रहना चुना। थर्ड फ्रंट की कांग्रेस भाजपा से बराबर दूरी है, इसलिए अखिलेश भी किसी तरह का भ्रम नहीं रखना चाहते। स्टालिन से पहले तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर के कार्यक्रम में शामिल हुए, अब पश्चिम बंगाल में सपा की बैठक। करीब 10 साल बाद कोलकाता में फिर सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक 18 मार्च से होगी। जिस बंगाल में सपा की कोई जमीन नहीं, वहां भविष्य की रणनीति तय करने की कवायद मुलायम की रवायत और ममता बनर्जी से दोस्ती और गाढ़ा करने की कोशिश मानी जा रही है। मुलायम ने कोलकाता में 5 बार पार्टी की कार्य समिति बुलाई थी। वहीं ममता 2022 में सपा के प्रचार के लिए यूपी आई थी। सपा की आगामी बैठक में भी ममता बनर्जी के आने की चर्चा है। पार्टी और अपने कद के राष्ट्रीय विस्तार की कवायद में अखिलेश इस दोस्ती को और मजबूत करने में लगे हैं।